नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देने लगे तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या चेक करना चाहिए, और जो लोग पहले गैस सेटिंग या और सब करते तो वो सब करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्लग चेक करना है। प्लग अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो प्लग का जो गैप है पॉइंट जल के कम हो जाती है, इसके वजह से गाड़ी ज़्यादा सेल्फ लेने लगती है और एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती, दो तीन बार सेल्फ मारने के बाद में स्टार्ट होती है। तो प्लग का गैप कैसे कम करें, तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा उसे नहीं मारना है, नहीं तो गैप अगर नीचे ज़्यादा बैठ जाएगा तो भी दिक्कत देगा। इसका कार्बन जो है उसे स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से, मतलब थोड़ा कार्बन है इसलिए साफ़ कर रहे हैं। और देखिए, प्लग के अंदर ऑयल नहीं आया है इसलिए ये प्लग अच्छा है। अगर हेड में ऑयल आता है, प्लग गीला रहता है तो ज़्यादा प्लग प्रॉब्लम देता है। तो ये प्लग जो है वो पूरी तरह से सूखा है, गैप थोड़ा सा कम कर दिए, और ये लेफ्ट साइड का प्लग का हो गया। अब राइट साइड का भी प्लग ऐसे ही, उसका भी गैप थोड़ा कम करेंगे। इसे पहले अच्छे से टाइट कर लें। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा गाड़ी मतलब ठंडी होने के बाद ही ये काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हीट गाड़ी है, चल के आई है, तो उसमें प्लग नहीं खोलना चाहिए, नहीं उसका थ्रेड जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसका आटा जो है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो ये लेफ्ट साइड का होने के बाद अब राइट साइड का जो दूसरा प्लग है उसे भी खोल के बाहर निकाल के इसे भी ऐसे देखेंगे। ऑयल नहीं आया है, प्लग सूखा है, हल्का सा इसे मार के थोड़ा सा गैप कम कर देंगे। पहला काम सबसे पहले यही करना है, अगर गाड़ी लंबा स्टार्टिंग में मतलब सेल्फ लंबा ले रही है या दो तीन सेल्फ ले रही है, तो इस तरह से पहला काम जो है ये प्लग का है। तो इस तरह से अभी ये गाड़ी फटाफट स्टार्ट हो जाती है। देखिए, तो हो गई स्टार्ट। इस वीडियो में बस इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।